हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू प्रोड प्रॉब्लम। तो पहले मैं लेक्चर इस पर डिलीवर कर रहा था, उसी को आगे फर्दर बढ़ाऊंगा। आज हम देखेंगे इसका क्वांटम मैकेनिक का ट्रीटमेंट और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक से हम न्यूक्लियर फोर्स तक कैसे पहुंचे। बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप बता देता हूँ कि हम करना क्या चाहेंगे और क्या इसके सामने पजल्स हैं और कैसे उनका समाधान लाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स हमसे ये कहती है कि अगर हमारे पास एक बार हमें पोटेंशियल पता चले, क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल। जैसे हमें पोटेंशियल पता चलता है तो पोटेंशियल पता चलने के बाद हम चाहते हैं कि पोटेंशियल के बाद हमें वेव फंक्शन पता चले, क्योंकि वेव फंक्शन से ऐसा पैरामीटर है कि वेव फंक्शन के अंदर हमारी वेरियस प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। तो इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है कि पोटेंशियल क्या है। अगर मुझसे पूछा जाए सर कि कुछ क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा हमें एक लेवल भी बताओ कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे लेकर चलते हैं, इधर ये कर ले आगे बहुत पीछे चला गया। तो क्या हम लेकर चलते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू हम सदा डिफाइन करते हैं, जैसे V बराबर जीरो होता है जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होता है, V की वैल्यू 1/r पर निर्भर करती है जब हम हाइड्रोजन का केस डिस्कस करते हैं, और V r² पर निर्भर करता है जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होता है, हमें पोटेंशियल डिफाइन करना होता है कि हम पोटेंशियल क्या लें। क्या बड़ा चैलेंज है? चैलेंज ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होते हैं वो कौन से पोटेंशियल के अंतर जनरेट होते हैं, वहां पे हम पोटेंशियल क्या लें। क्या देखा जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स की हमें वेरियस प्रॉपर्टीज ज्ञात हैं। क्या क्या पता है हमें कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। हमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता है कि न्यूक्लियर फोर्स नॉन ग्रेविटेशनल होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं। हमें साथ साथ पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो हमारे स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। साथ साथ हमें यह भी पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन रखते हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसी सब प्रॉपर्टीज हमें ज्ञात हैं। अब चैलेंजिंग एस्पेक्ट हमारा है क्या, क्या हम चाहते हैं और क्या हमारे लिए चैलेंज है और कैसे उस चैलेंज को हम ओवरकम करें। हम चाहते हैं कि पोटेंशियल बताएं कि न्यूक्लियर फोर्स जब एक्ट होता है तो कौन सा पोटेंशियल उसमें काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि पोटेंशियल हम जब डिफाइन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो न्यूक्लियॉन है, बाय द वे हम इसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के हैं, तो ये पाई मेसोन एक्सचेंज होता है। किससे होते हैं न्यूक्लियर फोर्स पैदा? न्यूक्लियर फोर्स पाई मेसोन एक्सचेंज से पैदा होते हैं। और पाई मेसोन एक्सचेंज में हम क्या देखते हैं कि पाई मेसोन एक्सचेंज जब होता है तो पाई मेसोन हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल। पाई मेसोन एक्सचेंज में ये देखते हैं कि जब न्यूक्लियर फोर्स पैदा होता है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो फोर्स काम करता है, फिर वो जीरो हो जाता है। जैसा हम सोचें कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसमें हम ये बताने का प्रयास करें कि न्यूक्लियर फोर्स क्या सदा काम करता है, तो आप जवाब देंगे नहीं। कहां काम करता है? केवल न्यूक्लियर रेंज के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या दो न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के अंदर जब होते हैं क्या उनमें पाई मेसोन एक्सचेंज रेगुलर चलता रहता है? तो हमारा जवाब होता है नो, सदा नहीं चलता रहता। जैसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस हमारा स्फेरिकल शेप का है और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ये लगातार न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सपोज कि हम 1s2 का केस ले रहे हैं तो 1s2 के केस में हम क्या देखेंगे कि जो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है उसमें हम देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो लगातार मोशन में होते हैं। जब ये मोशन में होते हैं तो इनका सेपरेशन चेंज होता है। इवन तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस का पार्ट है, लेकिन आप ये ना सोचें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थिर अवस्था में हैं, वो कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं। कई बार उनके बीच का सेपरेशन कम होता है, कई बार उनके बीच का सेपरेशन हमारा बढ़ जाता है। जब हमारा सेपरेशन इनके बीच का कम होता है तो कम होने पर तो हम ये महसूस करते हैं कि उनके बीच में जैसे डिस्टेंस थोड़ी कम रहती है तो पाई मेसोन एक्सचेंज शुरू हो जाता है। जब वो मोशन में होते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उनके बीच का सेपरेशन इतना हो जाता है कि उनके बीच पाई मेसोन एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो उस समय पर फोर्स जनरेट नहीं होता। तो सिचुएशंस कैसी है? सिचुएशंस ऐसी है कि जब पाई मेसोन एक्सचेंज चलेगा तो न्यूक्लियर फोर्स पैदा होगा और उस समय न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ सेचुरेट होगी, और जब उनके बीच का सेपरेशन इतना हो जाएगा, दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन इतना हो जाएगा कि उनमें पाई मेसोन एक्सचेंज ना हो सकता हो, तब हमारा हम कहते हैं कि फोर्स उस समय पर जीरो हो जाएगा। उसी को ध्यान रखते हुए हम इसका पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, और जो पोटेंशियल इसका डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं
कि इसके VR की जो वैल्यू होती है वो हमारी माइनस वी नॉट होती है, कब, जब R की वैल्यू R नॉट से लेस देन होती है, और VR हमारा जीरो हो जाता है अगर हमारा R की वैल्यू R नॉट से ज़्यादा होती है। ये हमारा अप्लीकेशन है, हमें समझना यह है कि हमने ये क्यों लिया। जब हमारा अट्रैक्टिव पोटेंशियल पैदा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मुझे उम्मीद है कि आप उससे वाकिफ होगे, नहीं होगे तो मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक हम प्रॉपर्टी लेते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन है। प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन का मतलब ये है कि ये बेसिकली जिस्कल मैकेनिज्म है। आप कहेंगे सर जिस्कल मैकेनिज्म क्यों कह रहे हैं आप इसे, तो मैं कहूँगा जिस्कल मैकेनिज्म इसे इसलिए कह रहा हूँ कि जिस्कल जो डिवाइस होती है वो वन और जीरो चलती है, या तो सिग्नल काम करता है या नहीं करता। हमारे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर ये होता है कि एनालॉग सिग्नल तो लगातार काम करते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल वन और जीरो के उसमें चलते हैं प्रिंसिपल में। ऐसे न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ या तो वन होगी या न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ जीरो होगी। या अब इसको कैसे समझाया जाए, ऐसे समझाया जाए कि जब वो न्यूक्लियर रेंज के अंदर होते हैं दो न्यूक्लियॉन, उनमें बाई मेसोन एक्सचेंज होता है तो न्यूक्लियर फोर्स पैदा होता है और फुल स्ट्रेंथ से पैदा होता है। जब उनका सेपरेशन इतना हो जाता है कि उनमें पाई मेसोन एक्सचेंज नहीं होता तो फोर्स जीरो हो जाता है। उसी तरीका से हम पोटेंशियल को जब डिफाइन कर रहे हैं तो जब पार्टिकल न्यूक्लियर रेंज के हैं तो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल पैदा होता है जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण, और उसकी वैल्यू को हम ले रहे हैं माइनस वी नॉट। माइनस वी नॉट का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस का मतलब होता है बाउंड सिस्टम, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारी पॉजिटिव होगी और टोटल एनर्जी अगर हमारी पॉजिटिव होगी तो संभावना रहती है सिस्टम के अनबाउंडेड होने की। तो यहां पे हम कैसे हम इस चीज को समझें, इसको इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि जब हम जो दो न्यूक्लियॉन है जब वो न्यूक्लियर रेंज के अंदर होते हैं तो पोटेंशियल एक्ट करता है और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एक्ट करता है, और अगर वो न्यूक्लियर रेंज से बाहर चले जाते हैं तो वो क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। यहाँ पे जब तक ये एक्सचेंज हो रहा था यहाँ पे पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा था वो माइनस वी नॉट था। यहाँ पे ये पाई मेसोन एक्सचेंज दिखा रहा हूँ मैं, आया गया, और कभी उसको ना भूलें जब मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि दो फुटबॉल प्लेयर जब एक बॉल को एक्सचेंज करते हैं तो बाई वर्चू ऑफ एक्सचेंजिंग द बॉल तुरंत से क्या होता है, वो एक दूसरे की तरफ को झुक जाते हैं। ऐसे ही पाई मेसोन एक्सचेंज जब होता है दो न्यूक्लियनों के बीच में तो दो न्यूक्लियन एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, और वही हमारा क्या होता है, कारण न्यूक्लियर फोर्स का। मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि जापानी साइंटिस्ट क्यूबावा ने पाई मेसोन थ्योरी दी थी न्यूक्लियर फोर्स की, और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ये जो युकावा था, युकावा की जो थ्योरी है उसी से इंस्पायर्ड है ये पूरा का पूरा। अब क्वांटम मैकेनिक्स में चाहते क्या है, चाहते हैं कि हमें एक बार पोटेंशियल पता चला, अगर हम इसका कर्व खींचना चाहें कि भाई हम इसका कर्व खींचे कैसे खींचे पोटेंशियल का, तो बच्चों इस तरीका से इसका कर्व होगा, इस तरीका से हम इसे ले सकते हैं। ऊपर तो रखें बच्चों यहाँ VR, VR का मतलब पोटेंशियल, जो फंक्शन किसका है, R का। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाए हैं, जब भी हम कोई रिजल्ट ला रहे होते हैं तो उनको अप्रोक्सीमेशन के तहत होते हैं, वो रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल है उसको आर का फंक्शन लिया है, जबकि देखा यह जाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनमें आर पे भी निर्भर करते हैं और थीटा पे भी निर्भर करते हैं, एंगुलर डिपेंडेंसी उनमें होती है, लेकिन आर पर डिपेंडेंसी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है थीटा पर डिपेंडेंसी कम होती है, तो थीटा का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम नहीं ले रहे हैं। वैसे तो हमें वी जो फंक्शन लेना चाहिए वो आर और थीटा का लेना चाहिए, लेकिन क्या देखा कि हम अप्रोक्सीमेशन इसमें लगा रहे हैं, वी को केवल फंक्शन किसका ले रहे हैं, आर का। लेकिन आप ये ना भूलें कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो सेंट्रल फोर्स नहीं है कम्प्लीटली, उनमें नॉन सेंट्रल कंपोनेंट भी होता है। जब आप कम्पिटिटिव दुनिया में जाएंगे तो आपसे पूछेगा, कम्पिटिशंस में पूछा जाता है क्वेश्चंस कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रल होते हैं नॉन सेंट्रल होते हैं या मिक्सचर होता है सेंट्रल नॉन सेंट्रल का, तो आप आंसर मिक्सचर लगाएंगे। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो पोटेंशियल है वो फंक्शन केवल आर का होता है या आर थीटा का होता है, तो आप कहेंगे कि अप्रोक्सीमेशन हम आर का मानते हैं लेकिन फंक्शन आर और थीटा दोनों का होता है, लेकिन थीटा डिपेंडेंसी कम होती है इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया है। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एक्ट कर रहा है ये हमारा माइनस वी नॉट एक्ट कर रहा है, कब, जब आर की वैल्यू जीरो से लेकर आर नॉट तक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें,
ये हमें पता चला कि वी आर जो हमारा बना वो हमारा माइनस वी नॉट बना, कब, जब आर की वैल्यू आर नॉट तक है। उसके बाद क्या करेंगे, वी आर की वैल्यू हमारी जीरो होगी, ये जब आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा होगी। इस पोटेंशियल के तहत हमें इक्वेशन को समझाना है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि बेसिकली क्या देखा जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्टिव पोटेंशियल पैदा होता है। ध्यान दें मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मैं बोल रहा हूं, हालांकि उसे मैथमेटिक्स से मैं बाद में एलोबरेट करूंगा। तो ई जो होता है बच्चों वो होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं यहां पे माइनस वी नॉट। आप कहेंगे सर कहां से ली, यहीं से पोटेंशियल एनर्जी है माइनस वी नॉट। अट्रैक्टिव एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स से कैसी पैदा हुई है, अट्रैक्टिव एनर्जी। ये तो जब पैदा हुई है जब ये इतनी दूर थे, और जब इनके बीच का सेपरेशन थोड़ा बढ़ा दिया हमने, तो उस समय पे ये पाई मेसोन एक्सचेंज को स्टॉप हटा दोगे यहां से और कहोगे नो न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या हुआ, वी है जीरो। मींस जब दोनों न्यूक्लियनों के बीच का सेपरेशन ज्यादा हो गया, इतना सेपरेशन हो गया कि उनमें पाई मेसोन एक्सचेंज नहीं हो सकता, उस समय पे फोर्स जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। जब वो न्यूक्लियर रेंज में आए, पाई मेसोन एक्सचेंज शुरू हो गया, तो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल पैदा हो गया। तो वी आर की वैल्यू हमारी माइनस वी नॉट जब है जब पाई मेसोन एक्सचेंज हो रहा है, वी आर जीरो है जब पाई मेसोन एक्सचेंज नहीं हो रहा। और पाई मेसोन एक्सचेंज कब होता है, जब दो न्यूक्लियनों के बीच का इतना सेपरेशन होता है कि एक पाई मेसोन एक न्यूक्लियन से दूसरे तक जा सकता हो, उससे वापस आ सकता हो। मेरी बात को समझ रहे हैं सभी, कोई ऐसी बात तो नहीं बताई जो नहीं आई समझ। उसके बाद क्या होगा कि यह देखा जाता है कि एनर्जी जो है, पोटेंशियल तो हमारा बहुत ज्यादा जनरेट होता है लेकिन हमारी एनर्जी कम मिलती है, बाइंडिंग एनर्जी। पता चला पोटेंशियल जनरेट हो रहा है हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी पता चला 25-30-35 के अराउंड तक जाके जनरेट हो रहा है, और पता चला एनर्जी जो मिल रही है बाइंडिंग एनर्जी वो बहुत कम मिल रही है। तो आपको ये समझाने की जरूरत होगी कि भाई ये बाइंडिंग एनर्जी हमारी कब क्यों मिल रही है। मैं सपोज का आपसे कहूं कि वी नॉट की वैल्यू हमें मिलती है किसी केस के अंदर 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एप्रोक्सीमेशन में, और बाइंडिंग एनर्जी हमारी इसके मुकाबले बहुत कम मिलती है, तो हमारे पास दो चीजें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टेबलाइज कौन कर रहा है सिस्टम को, सिस्टम को स्टेबलाइज न्यूक्लियर फोर्स कर रहा है अगर आप क्वांटम से जाएंगे तो, और काइनेटिक एनर्जी सदा सिस्टम की उसे अनस्टेबलाइज करती है। काइनेटिक एनर्जी कभी सिस्टम को स्टेबिलिटी नहीं देती, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। तो यहां क्या होगा कि इसका जो इंपैक्ट है ये माइनस वी नॉट का, ये जितना हो पाता उसे काइनेटिक एनर्जी रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम को डीस्टेबिलिटी देती है, उसकी स्टेबिलिटी को कम करती है, क्योंकि गति है और गति सदा क्या करती है, सिस्टम को स्टेबिलिटी कम करती है। अगर आपके पास पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कम है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, तो आप जहां पर गतिज ऊर्जा कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए हमसे कहा जाता है गाड़ी तेज ना चलाएं, क्योंकि जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, तो संभालना सिस्टम को मुश्किल हो जाता है। कैच अप माय पॉइंट। तो यहां पर हमें इस बात को समझना है कि जो एनर्जी है वो माइनस वी नॉट, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, लेकिन अगर इतनी पोटेंशियल हमारा जनरेट होता है, ये जब जनरेट होगा जब 100% पाई मेसोन एक्सचेंज चलता रहे, लेकिन देखा जाता है कि 100% समय पे टाइम जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो जनरेट ही नहीं होता। केवल और केवल जो न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास जनरेट होते हैं वो केवल और केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, ये देखा जाता है कि 1/3 टाइम्स तो न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है और 2/3 टाइम न्यूक्लियर फोर्स जनरेट नहीं होता। उसका रीजन सुने, फिर से समझें। रीजन से होता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर हम इसको न्यूक्लियस माने, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स जब हमारे पास आसपास आते हैं तो केवल और केवल
इतने समय पर वो आसपास आते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जनरेट केवल 1:30 समय पर ही हो पाता है। 2:3 टाइम्स ऐसा गुजरता है जब वो उनके बीच सेपरेशन इतना होता है कि पाई मैसोन एक्सचेंज होता ही नहीं। अगर मैं इसे 35 से 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लूं अप्रोक्सीमेशन में, तो आपको ये पता चलेगा कि 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल जनरेट तब होता जब ये 100% समय न्यूक्लियर रेंज के अंदर होता, मतलब उनके अंदर पाई मैसोन एक्सचेंज ऑल द टाइम चलता रहता। लेकिन क्या देखा जाता है, उसका केवल 1:3 टाइम्स ही वो न्यूक्लियर रेंज में होता है जब पाई मैसोन एक्सचेंज उनके बीच में होता है। न्यूक्लियर रेंज का मतलब होता है जहां पाई मैसोन एक्सचेंज जिस समय पर चल रहा है। तो 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर 1:3 हम करते हैं तो इफेक्टिव जो पोटेंशियल रह जाता है वो 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रह जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आती है वो हमारी 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की आएगी। और माइनस में से क्यों ले रहा हूं कि मैग्नीट्यूड में तो ये वैल्यू जो हमारी कितनी है 12 रह जाएगी, 36 का 1/3 जब हम करेंगे। लेकिन माइनस क्यों, स्टेबिलिटी के कारण। और काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर हम पाते हैं जो हमारे दोनों न्यूक्लियन हैं आप कह रहे हैं कि बोसन में है, तो बोसन के कारण क्या होगा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी जो इनकी देखी जाती है उसका जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट 9.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें, तो हमें पता चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ गई -2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें -12 का प्लस अगर 9.75 जोड़ेंगे तो -2.25 करीब ही आएगा, इतना ही तो आ रहा होगा। तो इसको ही कर्म के तौर पर अगर हम यहां से देखें तो इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई -EB, किस ऑर्डर की 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और VLB से। और ये जो एनर्जी है ऊपर की तरफ चीज दिखा के क्या दिखाएंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस की होगी। तो ये जो टोटल पोटेंशियल जनरेट हुआ इसमें से काइनेटिक एनर्जी में इतना बेकार चला गया और बाकी का कितना बचा रह गया, वो इतना बचा रह गया -EB का मतलब स्टेबिलिटी। इसलिए 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब हमें दिखाना क्या है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ये दिखाएं कि जो पोटेंशियल है जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। ये जहां हमें पहुंचना है वो इशारा था मेरा। अब पहुंचना कैसा है वो हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगला काम क्या करना है हमें, क्वांटम मैकेनिक्स से यहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लिखें फ्रॉम द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। हाँ सुमन कुछ पूछना चाह रहा है। बेसिकली क्या होता है आप काइनेटिक एनर्जी को जीरो नहीं कर सकते, लगभग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट की है। अगर होता तो एक अलग इशू है, अगर होती तो फिर तो क्या होता उनके भी सेपरेशन चेंज ना होता। एक चीज सदा याद रखें, मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं हालांकि वो थोड़ा फिलोसफिकल बात है, गति दुनिया का नियम है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होते, दे कंटिन्यूसली मूव्स, कभी वो पास आते हैं कभी दूर जाते हैं, उनके बीच में सेपरेशन चेंज होता रहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है उसका लगातार पोजिशन चेंज होती है। तो गति संसार का नियम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भी लगातार मोशन में होते हैं। मैं खासतौर से ये भी बताने की कोशिश करूंगा यहाँ कि ये एक अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट्स हैं, इन्हें आप एक्यूरेट करके ना समझें। लेकिन क्या हम प्रयास कर रहे हैं बताने का कि बाइंडिंग एनर्जी का कारण क्या है, तो आपको ये पता चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी का जो कारण है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ही आपको बताना है। एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मिक्सर से होती है। आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, तो मैं कहूंगा न्यूक्लियर फोर्स से आएगी। न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट हम कैसे लगा रहे हैं, जब हम पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं कि VR की वैल्यू -V0 है न्यूक्लियर रेंज के अंदर, तो हम यही बता रहे हैं कि हम यहाँ बेसिकली अट्रैक्टिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जब 5 मैसोन एक्सचेंज हो रहा है। और किस कारण से, न्यूक्लियर फोर्स के कारण से। फिर हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाती है, कब हो जाती है, जब उनका सेपरेशन ज्यादा हो जाता है, उनके बीच में पाई मैसोन एक्सचेंज नहीं होता। तो आप यूज करें फ्रॉम द श्रोडिंगर, क्या यूज करना है बच्चों, टाइम फ्रॉम द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन।
क्या कहती है? सो इन द टाइम इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। मुझे उम्मीद है सब वाकिफ होगी इससे। मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ, क्योंकि आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हैं इसको, बीएससी में भी आप पढ़ चुके हैं और एमएससी में भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा इसको। यहाँ पे म्यू रिड्यूस मास है, एच का एच अपॉन टू पाई के इक्वल है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, ई पार्टिकल की एनर्जी है, वी पोटेंशियल है और साई वेव फंक्शन है। अगर हम एक्स की वैल्यू को आर साइन थीटा कॉस फाई लें, वाई की वैल्यू को आर साइन थीटा साइन फाई लें और जेड की वैल्यू को अगर हम आर कॉस थीटा लें, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में बच्चों? वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल साई ओवर डेल आर। इसको जानता है इस तरह के कॉर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन? करेक्ट करा देना अगर मैं कहीं मिस कर रहा हूं एक लाइन तो। ये मैंने श्रोडिंगर इक्वेशंस बना दी किस फॉर्म में? स्पेरिकल कॉर्डिनेट्स में, और ये आपने हाइड्रोजन एटम में यूज की होगी। वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल फाई ओवर डेल आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी साइज इक्वल टू जीरो। दिस इज नथिंग रेदर देन श्रोडिंगर इक्वेशंस इन स्पेरिकल कॉर्डिनेट्स। लिख पाए इसे, इसे एक साथ ही लिख सकते हैं। इस स्टेप के आगे है टर्म दिस वन, फिर इसके आगे है दिस टर्म, तीनों क्रम में है। उसके बाद बच्चों हम क्या करें कि साई यहां पे हम कह रहे हैं कि वी हमारा फंक्शन केवल हम आर का मान रहे हैं। जब हम साई वी फंक्शन आर का मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी प्रायिकता है वो केवल आर का फंक्शन होगा। फिजिक्स हमसे ये कहेगी कि अगर हमारी डिपेंडेंसी थीटा पे नहीं है पाई जाने की तो डेल साई अपॉन डेल थीटा जीरो होगा, और अगर फाई पे डिपेंड नहीं है तो डेल साई अपॉन डेल फाई जीरो होगा। क्या मान के चल रहे हैं कि एंगुलर डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं, ये हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया हुआ है। क्योंकि प्रॉब्लम्स को थोड़ा क्या करना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड की बजाय प्रॉब्लम को इजी करना चाहते हैं, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। मीन्स ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देगा हमें। जैसे इस इनको हम हटाते हैं तो इन दोनों टर्मों को बच्चों उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि वी फंक्शन आर का था, साई की थीटा और फाई डिपेंडेंसी नहीं है, तो केवल और केवल हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। ये हमारे पास आएगी, उसके बाद हम क्या करें कि जो एक एक्सप्रेशन है साई आर का उसको हम लिख दें यहां से यू आर अपॉन आर। जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन में, इसको पुट करते हैं तो एक इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होगी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर, और साथ साथ ये आएगा हमारा ई माइनस वी और यू इक्वल टू जीरो। इसे पुट करके देख लेना, जैसे क्या करना साई आर को यहाँ पे यू आर अपॉन आर रख देना और फिर इस वैल्यू को पूरे को सॉल्व करके आप देखेंगे तो ये टर्म्स अपने आप आएगी। तो अभी तक मैंने मैथमेटिक्स में इसमें क्या यूज किया है, पहले मैंने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस लिखी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसको फिर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में बदले, उसके बाद में साई को थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट बताते हुए
अगला स्टेप पहुंचे और फिर साई आर को यू आर बाई आर कर दें। पर्पज क्या है? साई आर निकालना, वेव फंक्शन पता करना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि सब कुछ अगर प्रॉपर्टीज हम ज्ञात करना चाहते हैं तो वेव फंक्शन से पता चलती है, तो हम वेव फंक्शन चाहते हैं पता करना। तो उसके बाद क्या करें कि हम पोटेंशियल लेकर चलें कि भाई पोटेंशियल क्या हम डिफाइन करें और एनर्जी है क्या है, कोई बताएगा मेरी क्लास में, क्योंकि मैं काफी बता चुका हूँ। देखो पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी है बच्चों? पार्टिकल के पास एनर्जी है माइनस ईवी। आप कहेंगे कि सर माइनस ईवी क्योंकि? क्योंकि पार्टिकल के पास एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगी सिस्टम की एनर्जी, और माइनस क्यों होगी? क्योंकि सिस्टम स्टेबल है। तो एनर्जी सिस्टम की कितनी है? माइनस ईवी। और पोटेंशियल हम डिफाइन कर चुके हैं, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? दो। वी आर की वैल्यू जीरो है, कब? जब आर की वैल्यू आर से ज्यादा है। और वी आर की वैल्यू है माइनस वी नॉट, कब है? जब आर की वैल्यू आर नॉट के मुकाबले या तो इक्वल है या आर नॉट से कम है। आर नॉट कौन सी डिस्टेंस है जहां तक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट हो रहा है, जिस डिस्टेंस तक पाइप मेसोन एक्सचेंज हो सकता है। इस इन दोनों रिजल्टों को इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में। मैं क्रम नहीं दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू आप जाने का आप लिखते हैं या नहीं लिखते, मैं स्टेप समझाता हूं कैसे आते हैं, और जब क्वांटम मैकेनिक्स आएगी तो फिर उससे रिजल्ट समझाऊंगा कि कैसे रिजल्ट हमारे जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट से वो कैसे मैच करते हैं, और बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स कैसे सफलता के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे कि हम दो पोटेंशियलों को यहाँ पर पुट कर दें। एक चीज आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, रिड्यूस मास न्यू की वैल्यू एम पी बाई टू है, दो लेक्चरों में बता चुका हूँ। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गई बच्चों? एक इक्वेशन आ गई डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर और प्लस म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एन पी अपॉन टू, और टू ए आएगा यहाँ से एच कट स्क्वायर, और ई की जगह पर क्या रखते हैं? माइनस ई बी, प्लस वी की जगह पर माइनस वी नॉट लें, यू आर इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो हमारी आ गई, दूसरी इक्वेशन देखें, ये कब आई? जब आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आर नॉट थी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस एम पी अपॉन एच का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा। जैसे हम यू को एम पी बाई टू करेंगे, एम पी मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया है। और यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी बच्चों? माइनस ई बी, और पोटेंशियल को क्या दें? जीरो, यू आर इज टू जीरो। ये कब आ गई? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर नॉट। नोट करते रहे सब कुछ। और यहां फिर से सब्स्टिट्यूशंस करें, यहां सब्स्टिट्यूशंस हमें दो करने हैं और दोनों सब्स्टिट्यूशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक हमें करना है के स्क्वायर, हमें लेकर चलना है के स्क्वायर। के स्क्वायर को हम किसके इक्वल कर दें? लेट अस से इस पूरी टर्म को, कौन सी टर्म को? एम पी अपॉन एच का स्क्वायर वी नॉट माइनस ई, ये हमारा है के स्क्वायर। और इसको एल्फा स्क्वायर ले लें, किसको लेना है एल्फा स्क्वायर? एम पी अपॉन एच का स्क्वायर और ई बी, ये दो सब क्वेश्चन इसमें पुट कर दें। मैं रख कर दूं, अगर आप नोट कर चुके हैं थोड़ा तेजी से नोट करें। फिर मैं तेजी के साथ रिपीट करता हूं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी साई आर को यू आर बाई आर रखने के बाद। उसके बाद क्या करें? जब ये इक्वेशन आ जाए तो दो कंडीशंस लगाते हैं, एक बार वी को माइनस वी नॉट रख दें, एक बार वी को जीरो ले, उससे हमारी ये दो इक्वेशन आएंगी। और एनर्जी को माइनस ई बी लिख दें क्योंकि ई बी बाइंडिंग एनर्जी है। माइनस इसलिए क्योंकि एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हमारी स्टेबिलिटी को शो करती है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस के बाद के स्क्वायर और एल्फा स्क्वायर को ये ले लें, वो यहाँ पुट करते हैं तो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशनों को मैं ऊपर नोट डाउन कर रहा हूँ, साथ साथ इसे रफ भी करते रहें, थोड़ी अपनी स्पीड को तेज रखें क्योंकि
इस पर लेक्चर्स जो है लगातार चल रहे हैं, इसे थोड़ा कोशिश करें पूरा कराने का। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू स्क्वायर टू जीरो, और यू फंक्शन किसका बच्चों है आर का। ये कब है? जब आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आर नॉट है। और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर यू आर स्क्वायर टू जीरो है। कब है? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर नॉट है। और के स्क्वायर और एल्फा स्क्वायर हमारे पास ये हैं जो यहां पर पुट किए गए हैं। देखें एनपी अपॉन एच का स्क्वायर वी नॉट माइनस ईवी को मैंने मान रखा है के स्क्वायर। एनपी ईवी अपॉन एच का स्क्वायर को मैंने एल्फा स्क्वायर मान रखा है। इन दोनों सब्स्टिट्यूशंस यहां पुट किए हैं। इसके सब्स्टिट्यूशन ए रखने के बाद यहां ये इक्वेशन बनेगी, और इसको यहां पुट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन बनेगी। यहां तक सभी पहुंच गए हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप महत्वपूर्ण स्टेप है। अब हमें क्या बताना होगा? इन इक्वेशनों के सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि जैसे ही हमें U1 और U2 की वैल्यू पता चलेंगे, इसको U1 कह दें, इसके सॉल्यूशन को इसको U2 कह दें, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन हम बच्चों क्या ले सकते हैं? U1 की वैल्यू ए साइन के आर प्लस बी कॉस के आर है। आप कहेंगे सर ये क्यों सॉल्यूशन दिया? तो बहुत इजी है बताना। अगर मैं इस इक्वेशन का दो बार डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं तो मैं ही याद रखूंगा। अगर इस इक्वेशन का मैं दो बार डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो मैं इसी स्टेप पर पहुंचूंगा। तो अगर जो हमने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन से हम अगर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं तो एक वैल्यू सॉल्यूशन होता है। तो यू आर इक्वल टू ए साइन के आर प्लस बी कॉस के आर एक वैलिड सॉल्यूशन होगा। किस रीजन में? उस रीजन में जब आर की वैल्यू लेस देन आर नॉट है। लेकिन इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि आर बराबर जीरो के ऊपर, जब आर जीरो हो तो वे फंक्शन जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों? आर बराबर जीरो पे दोनों का मतलब है आर दोनों न्यूक्लियनों के बीच का सेपरेशन था, तो एक ही जगह पे दोनों कैसे हो सकते हैं, जबकि उनकी एक फाइनाइट क्या है, डायमेंशन भी है। तो आर बराबर जीरो के ऊपर जो वेव फंक्शन है एक शुड बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? U1 भी जीरो हो जाना चाहिए। अगर क्योंकि U1 फंक्शन R का है, साई हमारा इसे साई वन में कह रहा हूं, वो U1 का फंक्शन है, क्योंकि साई R की वैल्यू UR by R है। इसमें देखें ध्यान से कि अगर मैं ऐसा करता हूं कि U1 मेरा जीरो होगा, तो यहां से जीरो इज इक्वल टू ए साइन के आर ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो बी की वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चों? जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि U1 जो हमारा होगा, उसकी U1 की जो वैल्यू होगी वो ए साइन के आर होगी। एक बार फिर से देख लें कि U1 की जो वैल्यू है वो है ए साइन के आर प्लस बी कॉस के आर। अब इसके साथ क्या है कि आर बराबर जीरो पे U1 आर जीरो हो रहा है, तो इसको जब मैं जीरो करूंगा ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो होगा। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो बी की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए साइन के आर सॉल्यूशन होगा। कब होगा? जब हमारे पास आर की वैल्यू आर नॉट से लेस देन होगी या इक्वल होगी। अगर इसके करस्पोंडिंग में वेव फंक्शन कहूं साई वन उसको मैं बोल रहा हूं, तो वो हमारा U1 R अपॉन R हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? A साइन के आर अपॉन R। ये न्यूक्लियर रेंज के अंदर वेव फंक्शन की वैल्यू होगी। अब अगले स्टेप में हमें देखना होगा कि U2 की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट स्टेप देखें। इसका सोल्यूशन क्या हो? इसका सोल्यूशन बच्चों हम लिख सकते हैं U2, इसको मैं बोल रहा हूं, इस रीजन में U को U1 U2 कहा जा रहा है, इसमें U को U1 कहा जा रहा है। तो U2 R की जो वैल्यू है उसे हम ले लेते हैं C e की पावर माइनस एल्फा प्लस D e की पावर एल्फा।
आप कहेंगे सर ये सोल्यूशन आपने क्यों दिया, तो मैं कहूंगा दो बार अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप फिर इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। अगर दो बार मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये रिजल्ट मेरा आ जाएगा आर की रेस्पेक्ट करने के बाद, तो इसका मतलब ये वैलिड सोल्यूशन है। ध्यान दें अल्फा आपने क्या ले रखा था, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बोले अपनी कॉपी से देख के एमपी अपॉन और ये था ना अल्फा स्क्वायर। अब ध्यान दें यहां ईवी पॉजिटिव है एमपी पॉजिटिव है यहां से वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ध्यान देना जब हमारा आर की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो दुनिया का हर भी फंक्शन आर टेंस टू इंफिनिटी पर जीरो हो जाना चाहिए। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहां पे हम आर की वैल्यू को इंफिनिटी कर देते हैं तो ये वैल्यू ई की पावर इंफिनिटी दे देगी और वेव फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा, पाए जाने की प्रायिकता इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है अगर इस कंडीशन को ओवरकम करना चाहते हैं तो डी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्यों, यहां से ये जब भी हमारा जीरो हो जाएगा तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी और जब आर को यहां इंफिनिटी लेके जाएंगे तो ई की पावर इंफिनिटी माइनस का जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है डी हमारा क्या रहना चाहिए जीरो। इसका मतलब ये होगा कि साइन टू आर जो है वो होगा सी ई की पावर माइनस अल्फा आर अपॉन आर। ये वैल्यू होगी सारी जो की, तो ये हमारे पास ये आर लेस देन आर नॉट के लिए, ये आर लेस देन आर नॉट के लिए सॉल्यूशन और ये आर ग्रेटर देन आर नॉट के लिए सॉल्यूशन। तो दोनों रेंज में हमने क्या किया, जो न्यूक्लियर रेंज के अंदर भी वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और जब न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेंज से बाहर होंगे तब भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, साई वन और साई टू हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में मैं केवल इतना ही डिस्कस करूंगा, कल मैं इसका पूरा आगे एनालिसिस पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय हो चुका है, आगे नेक्स्ट लेक्चर भी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कंसेप्ट आप जो है समझ पाए होंगे और आज मैं प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप मार्क करके रखें, कल मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा इसमें जो भी कुछ आपको दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उसे जो है आप सुने। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो क्वांटम एनालिसिस है वो जारी रहेगा, इसकी फिजिक्स एनालिसिस जारी रहेगा। Thank you and best wishes for all of you. Jai Hind.